हेलो बच्चों, अब समय है पठिता उद्बोधनम का। पार्ट 3 में हमने पैराग्राफ पढ़ा था, सन्यासी द्वावारिक इत आयाही से लेकर व्याह बहरिष्यति तक। तो उसी में से प्रश्न है, सन्यासी उत्कोच रूपेण किम दातुम इच्छति, सन्यासी रिश्वत के रूप में क्या देना चाहता है। इसमें मैं आंसर गलती से लिख गई हूँ, पारद भस्म, पारे की भस्म। त्वम माम विश्वासघातम शिक्षसि, तुम मुझे धोखा देना सिखा रहे हो। इति द्वारिकः कम कथ्यति, ऐसा द्वारपाल ने किसको कहा, किसको कहा था, सन्यासिनम, सन्यासी को। द्वारिकः सन्यासिनम किम मनुते, द्वारपाल सन्यासी को क्या मानता है। काफी जाएंगे हम टेक्स्ट में, देखो यहाँ पे देखो, सन्यासी अहम तु द्वाम कस्यापि देशद्रोहिणो गुणचरम मन्य, मैं तो तुम्हें किसी देश, कोई देशद्रोही गुप्तचर मानता हूँ। तो वो क्या मान रहे हैं, देशद्रोहिणा गुणचरम, दो नीचा जना केन स्वामिनम मंचयति, नीच लोग किससे स्वामी को ठगते हैं, नीच लोग स्वामी को किससे ठगते हैं। ते केचन अन्य भवन्ति नीचा, ये उत्कोच लोभेन स्वामिनम मंचयित्वा, यानी कि उत्कोच के लोभ से, उत्कोचस्य लोभेन, रिश्वत के लालच से। द्वारिकः तथा कृत्वा कथ्यताम इति वाक्य कथ्यति, यह वाक्य कौन कह रहा है, देखो कौन कह रहा है, द्वारिकः तथा कृत्वा कथ्यताम कौन कह रहा है, द्वारपाल। सन्यासी द्वारिकस्य करणे किम कथ्यति, सन्यासी द्वारपाल के कान में क्या कहता है, क्या कहता है उसके कान में। यदि तुम माम न, सन्यासी कहता है यदि तुम मुझे प्रवेश करने के लिए नहीं रोकते तब मैं तुम्हें परिष्कृत पारे की भस्म तुम्हारे लिए दूंगा, जिसके गुंजा मात्र से ही तुम 52 तोले की 52 तोले तांबे को सोना बना सकते हो। तो यहाँ तक पूरा लिखेंगे। के नीचा भवंती, नीच लोग कौन होते, हाँ जो, वेरी गुड, जो रिश्वत के लालच से स्वामी को ठगते हैं और खुद को अंधकार भी गिराते हैं। तो ते केचन अन्या भवन्ति नीचा, ये उत्कोच लोभेन स्वामिनं मंचयित्वा आत्मानं अंधतमसि पातयन्ति। शक्नुया इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्, शक्नुया इस क्रियापद का कर्ता क्या है। ये दिया हुआ है बेटे शक्नुया, तो इसमें कर्ता कौन है, त्वम। सत्यम कथ्य कह त्वम, अत्र त्वम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, सच कहो तुम कौन हो, यहाँ त्वम किसके लिए आया है, किससे पूछा था उसने तुम कौन हो, सन्यासी से, तो किसके लिए आया है, सन्यासी के लिए, या तो सन्यासी की चतुर्थी लगाओगे सन्यासी ने, या फिर सन्यासी इति पदाय। देश प्रेमिणा इस पद का विलोम पद, देश द्रोहिणा कथयिष्यामि इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किं प्रयुक्तम, कथयिष्यामि इस क्रियापद का कर्ता क्या है, इसका कर्ता क्या है, कथयिष्यामि क्या करोगे, इसमें कथयिष्यामि ढूंढेंगे, ये ना कथयिष्यामि, अहम पुनरेव कथयिष्यामि, तो क्या होगा, अहम परिष्कृत पारद भस्म, अन्यो पद्यो मतलब इन्हीं दोनों पदों में से विशेष्य पद पूछा है, परिष्कृत पारद भस्म, पारद भस्म कैसी है, परिष्कृत, तो परिष्कृत हो गई विशेषता, यानी कि ये विशेषण हो गया, तो पारद्वस्म विशेष। इसमें ध्यातव्यम लिखा हुआ है, ध्यातव्यम मतलब क्या क्या ध्यान देने योग्य है, किम का अर्थ होता है क्या, कम होता है किसको, केन होता है किससे या किसके द्वारा, ये सिर्फ पंड के छोड़ना नहीं है, इसको याद करना है। इति वाक्य कह कथ्यति, यह वाक्य कौन कहता है, ये पेपर में आने वाली इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए लिखिए नीचे। क्रियापद से कर्तृपदम किम, क्रियापद का कर्ता क्या है, अन्यो पद्यो विशेषण, विशेषणम विशेष्यम किम, इन दोनों पदों में से विशेषण विशेष्य क्या है, इसलिए लिखिए नीचे। क्रियापद से कर्तृपदम किम, क्रियापद का कर्ता क्या है, अन्यो पद्यो विशेषण, विशेषणम विशेष्यम किम, इन दोनों पदों में से विशेषण विशेष्य क्या है। वर्कशीट आपको समझ आ गई बच्चों, अपने आप करोगे, लास्ट में ये तुम्हारी आंसर शीट है, उत्तर कुंजी का है,
इससे अपने आप को, इस अपने आंसर्स को चेक। आज के लिए इतना।